नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल है, इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके घर में अगर काली चींटियां, लाल चींटियां दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि मुझे कुछ संकेत मिल रहा है। दोस्तों, घर में चींटियों का आना, चींटियों का प्रवेश करना, चींटियों का चारों तरफ झुकना, अर्थात आप ही समझ लीजिए भोजन में झुक जाना, चीनी उनी रखते हैं उस पर झुक जाना, फलों पर झुक जाना, कहीं लग जाना, यह आपको संकेत बताते हैं। अगर आपके घर जो है फिनाइल से साफ कर देते हैं, धो देते हैं, फिर भी चींटियाँ लग जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई संकेत मिलने वाला है। मान के चलिए दीवार आपका है, दीवार पर काली चींटियों का है, अगर एक कतार लग जाता है तो भी आप समझिए कि आपको कोई संकेत मिलने वाला है। दोस्तों, काली चींटियाँ जो होती हैं आपको शुभ का संकेत देती हैं। अगर काली चींटियाँ आपके घर में दिखाई देती हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके चारों दिशाओं में जस हो, जस ही जस मिलने वाला है, आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा होने वाली है। आप किसी कार्य क्षेत्र के लिए जाते हैं, नहीं हो पाता है, वो होने वाला है। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, काली चींटियाँ अगर आप, पहले भी बोला कि फिनाइल से धो देते हैं फिर भी निकल आती हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो जो है धन का वारसा जो है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आप जो है रातों रात दिनों दिन प्रॉपर्टी होने वाले हैं, इसलिए आपको ये संकेत समझ में आ जाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में लाल चींटी दिखाई देती है, आप फिनाइल से धोते हैं या किसी प्रकार के दुर्गंध दे करके उसको हटाना चाहते हैं, फिर भी आती हैं लाल चींटियाँ, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत ही बड़ा विपत्ति में आप पड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपका। काली चींटियाँ जो होती हैं आपको दुख के संकेत देती हैं, आपके किसी कार्य क्षेत्र में बाधा पड़ जाएगा, आपके कार्य में उन्नति नहीं होगा। काली चींटियाँ और लाल चींटियाँ में यही फर्क होता है। दोस्तों, नमस्कार।